हाई इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आज का जो करंट मार्केट एनवायरनमेंट पे है, क्या जो जितने भी न्यूबीज हैं या जो भी यंगस्टर्स हैं या जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या आपको स्टॉक्स अपने होल्ड करने चाहिए, सेल करने चाहिए या फिर बाय करने चाहिए। एंड ये करंट मार्केट का जो एनवायरनमेंट है, इसमें हम निफ्टी की भी स्टार्टिंग वैल्यूएशन देखेंगे एंड साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनके अंदर क्या हुआ है। तो वीडियो बिगिन करने से पहले जस्ट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड इसमें कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है हमारा। एंड पहले मैं आपको एक टूल दिखाऊंगा, साथ साथ हम वहां पे ये देखेंगे कि इस टाइम पे निफ्टी की जो वैल्यूएशन है, या फिर आपको आज हम फर्स्ट टाइम ये सिखाएंगे कि आप मार्केट का टेम्परेचर कैसे ले सकते हैं। मार्केट का टेम्परेचर मतलब लेने का मतलब क्या है कि इवन दो आप डॉक्टर नहीं है तो आप ये नहीं बता सकते कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, बट आप उनका टेम्परेचर लेके एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि क्या इस बंदे को फीवर है या नहीं। अगर फीवर बहुत हाई है तो इसका मतलब क्या है कि शायद से प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है, तो आप डॉक्टर पे लेके जाते हैं, फिर जो डॉक्टर है उस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस करता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट ऐसी चीज है जहां पे कभी प्रॉब्लम या सॉल्यूशन का डायग्नोस नहीं हो सकता, बट मार्केट में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है कि वी कैन एटलीस्ट चेक द टेम्परेचर ऑफ द मार्केट। तो मार्केट का टेम्परेचर चेक करने के लिए हम क्या क्या डेटा पॉइंट्स करते हैं, एक बार ये वो सीखते हैं। एंड क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट लास्ट 2 ईयर्स में ज्वाइन करे, तो आपके लिए क्या सोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, आपको कैसे सोचना चाहिए स्टॉक मार्केट बारे में, एक बार ये हम उसकी भी बात करेंगे। फर्स्ट चीज हम यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मार्केट में जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो मार्केट में क्या क्या डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, तो इसमें अगर हम LIC का एग्जाम्पल लेंगे जो इंडिया में लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंडिया में जो लार्जेस्ट DI है दैट इज LIC। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में जो हमारे म्यूचुअल फंड आते हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल है। सिमिलरली फिर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो आप और हमारे जैसे लोग होते हैं, फिर प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, एंड फिर FIIs होते हैं। FIIs कौन है? FIIs आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FII कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड जो FIIs हैं ये एक्चुअली इंडियन मार्केट का काफी एक अच्छा खासा चंक भी ओन करते हैं। एंड जब भी FIIs की सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो पर्टिकुलरली यहाँ तो कोई मैक्रो रिस्क होता है उसकी वजह से होती है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो FIIs हैं, तो जैसे टेपर टैंट्रम हुआ था, तो आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो कहीं पे भी मैक्रो रिस्क होता है तो FIIs की सेलिंग बहुत होती है, क्योंकि वो अपना पैसा अपनी कंट्री के अंदर जाके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो अपना पैसा बॉन्ड्स के अंदर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो जाती है देखने के लिए कि जब भी FIIs की सेलिंग बहुत ज्यादा हो, तो टिपिकली लॉन्ग टर्म में हमने ये देखा कि मार्केट्स करेक्ट करती हैं। बट आज के टाइम पे क्या हुआ है, क्योंकि रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है, म्यूचुअल फंड्स का AUM बहुत बढ़ गया है, तो DI की भी जो पार्टिसिपेशन है दैट हैज आल्सो स्टार्टेड मैटरिंग अ लॉट। बट FIIs टिपिकली आर कंसिडर्ड टू बी द स्मार्ट मनी। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्या देखने के लिए रहता है कि अब लोग डेली बेसिस पे FIIs की जो सेलिंग है उसको भी ट्रैक करते हैं, मंथली बेसिस पे भी ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डेटा देखते हैं, तो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी टिल नाउ FIIs ने ऑलमोस्ट 22,500 करोड़ का आसपास सेलिंग कर दी, ऑलमोस्ट 22,400 करोड़ के आसपास की कि FIIs ने इक्विटी के अंदर सेलिंग करी है। तो माने जो बाहर की इंस्टीट्यूशंस हैं उस टाइम पे जो मतलब इंडिया से पैसा रिडीम कर रही है कि इंडिया से पैसा निकाल के अपनी कंट्री में वापस लेके जाओ। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमेशा एक क्या चीज क्रिएट होती है, लिक्विडिटी। जब भी हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं, पी रेशियो की बात करते हैं, तो उसको पी रेशियो नहीं, हम परसेप्शन टू अर्निंग रेशियो कहते हैं, क्योंकि आपका परसेप्शन इज वेरी मच टाइड टू लिक्विडिटी। अगर एक कंपनी की अर्निंग थी 10 रुपए और एक कंपनी का प्राइस था 100 रुपीज, तो उसमें से कुछ पार्ट तो इंट्रेंसिक वैल्यू की वजह से होता है कि इस कंपनी की अर्निंग पे इतना वैल्यूएशन तो मिलना चाहिए था, एंड कुछ पार्ट होता है लिक्विडिटी के कारण कि जो FIIs हैं या DIIs हैं, तो इस टाइम पे वर्ल्ड में बहुत लिक्विडिटी थी तो वो स्टॉक्स काफी ले रहे थे। तो लिक्विडिटी के कारण भी काफी बारी जो परसेप्शन टू अर्निंग्स होती है वो मैटर करती है। बट जब लिक्विडिटी निकलती है, तो आपकी जो पी रेशियो में से जो परसेप्शन है दैट डेफिनेटली टेक्स अ हिट। जिन कंपनी की अर्निंग स्ट्रांग होती है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वापस उनकी पी रेशियो अच्छी हो जाती है, बट मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में, नेक्स्ट 1 to 2 years या 6 to 12 months के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज की वैल्यूएशन में काफी इंपैक्ट होता है जब परसेप्शन हिट होता है। तो अगर हम जैन 2022 के अंदर देखें, तो FIIs ने ऑलमोस्ट 35,975 करोड़ की सेलिंग करी, डेट इज ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ की। फिर अक्टूबर में ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ की, नवंबर में 5,700 करोड़ की, एंड दिसंबर में ऑलमोस्ट 13,150 करोड़ की सेलिंग करी। तो माने अभी तक, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, तो अभी तक जो भी FIIs हैं ऑलमोस्ट 70-80,000 करोड़ की जो इंडियन इक्विटी है उसको सेल कर चुके हैं, माने ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 to 12 बिलियन डॉलर की सेलिंग हो चुकी है। तो दिस सेलिंग इज एक्चुअली अ वेरी लार्ज अमाउंट। तो ऐसी सेलिंग लास्ट 2008-09 के आसपास हुई थी, बट इस बार क्योंकि
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर इस बार काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, एयूएम बहुत ज्यादा हो गए, तो इस वजह से इस बार हमने मार्केट में इतना भी ज्यादा सीवियर करेक्शन नहीं देखा जितना हमने पास्ट में देखा था। अब जैसा देख सकते हैं कि जब मार्केट बढ़ रही थी, तो जैसा मार्च 2020 में देख सकते हैं ओवरऑल, कि जब एक्चुअली में जो कोविड का लॉकडाउन आया था, तो FIIs दे सोल्ड ऑलमोस्ट 58,000 करोड़ ऑफ इक्विटी, माने अभी जो 4 महीने में 70-80 हज़ार करोड़ की सेलिंग हुई है, ऑलमोस्ट 1 मंथ में मार्च के अंदर उतनी सेलिंग हो गई थी। सो दैट इज व्हाट लेड टू द क्रैश ऑफ द मार्केट, बिकॉज एट द एंड मार्केट्स आर नथिंग बट जब भी हम एक्सचेंज की भी बात करते हैं, एनएससी बीएससी की, तो एक्सचेंज क्या करती है, बायर और सेलर को मिलाने का काम। तो अगर सप्लाई ज्यादा हो एज कम्पेयर टू डिमांड, तो आपके प्राइसेस डिप्रेस होते हैं। तो इस वजह से जब बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाए, जब FIIs बहुत ज्यादा सेलिंग करते हैं, तो मार्केट में करेक्शन आती है। बट वेराज हम देख सकते हैं कि जब मार्केट बढ़ रही थी, तो मई में भी 13,000 करोड़ की बाइंग, जून में भी 18,000 करोड़ की बाइंग, जुलाई में भी 8,500 करोड़ की बाइंग, अगस्त में 45,000 करोड़ की बाइंग। तो फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 months FIIs की बाइंग चलते रहे, एंड वी वर एक्चुअली इन ऑलमोस्ट 8 to 9 months का एकदम वन वे अप मूव था, बट लास्ट 3-4 months में FIIs के साइड से सेलिंग काफी ज्यादा हुई है। तो ये तो FIIs एंड DIIs का डेटा था कि इस टाइम पे FIIs की साइड से सेलिंग चल रही है। इसका रीजन ये भी है कि US में इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकती है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट हाइक होने से जो भी रिस्की एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन कम होने का चांस रहता है। एंड साथ साथ बॉन्ड्स और इक्विटी के बीच में हमेशा एक ट्रेड ऑफ चलते रहते हैं, हमेशा ये यहाँ तो पैसा बॉन्ड्स में जाता है, यहाँ तो पैसा इक्विटी में जाता है, तो हमेशा एक जो ट्रेड ऑफ है वो भी चलते रहते हैं। तो यहाँ पे एक निफ्टी 50 में आके अगर आज निफ्टी 50 की वैल्यूएशन देखते हैं, तो आज जो ये निफ्टी ऑलमोस्ट 5% के आसपास से गिरी है, तो दिस इज बेसिकली येस्टरडे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आज निफ्टी 50 की वैल्यूएशन फाइनली जाके काफी ज्यादा चीप लगने लग गई है। एक टाइम पे बीच में एक्सपेंसिव हो गई थी, बट अब रीजनेबली वैल्यूड लगने लग गया निफ्टी। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी का लंबे समय का अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं, कि निफ्टी का जो ईपीएस है, जैसे अगर हम निफ्टी को एज अ स्टॉक ट्रीट करें, तो लंबे समय में निफ्टी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो एक तरीके की स्ट्रक्चरली रही है, पर लास्ट 2014 से 2019 तक थोड़ी सी ईपीएस ग्रोथ फ्लैटिश थी, बट अगर हम यहाँ देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट ईपीएस इस टाइम पे 776 रुपीज का चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि निफ्टी में अब कंसोलिडेटेड ईपीएस लेने लग गए हैं, पहले स्टैंड लोन था, स्टैंड लोन में माने जो निफ्टी की पहली 50 कंपनीज है या टॉप 50 कंपनीज जो है निफ्टी की, तो पहले सिर्फ उन्हीं का ईपीएस कैलकुलेट करा जाता था, बट अब क्या हुआ है कि जो उनकी मतलब सब्सिडरीज भी है, सपोज करते हैं अगर हम महिंद्रा की बात करते हैं, तो महिंद्रा की भी जो सब्सिडरीज भी होगी उनको भी इंक्लूड करके हम निफ्टी का ईपीएस कैलकुलेट करा जा रहे हैं, इस वजह से ईपीएस भी थोड़ा ज्यादा दिखता है। तो अगर हम ईपीएस देखते हैं 776 रुपीज के आसपास का, 777 रुपीज का, एंड नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है अगर यहाँ से ईपीएस में 10-15% ग्रोथ भी आ गई, 10% लेके चलो, तो नेक्स्ट ईयर ईपीएस निफ्टी का 850 रुपए के आसपास हो सकते हैं, दैट इज बेसिकली क्लोज टू 850 रुपीज। एंड अगर आज हम निफ्टी का प्राइस देखते हैं, तो निफ्टी का प्राइस क्या है, 16,247। तो अगर मेरे को 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशियो निफ्टी की निकालनी है, कि अगर 10% निफ्टी के ईपीएस में ग्रोथ आ जाए और निफ्टी का ईपीएस 850 रुपीज का हो जाए, एंड आज की पी रेशियो 6,200, आज का जो स्टॉक प्राइस है निफ्टी का, या निफ्टी का जो प्राइस है, दैट इज 6,245, तो आई विल जस्ट डिवाइड दिस बाय 850। सो दिस विल गिव यू एन एग्जांपल कि निफ्टी का 1 ईयर फॉरवर्ड जो ईपीएस है या जो पी रेशियो इस टाइम पे 19 टाइम्स के आसपास की है। तो अगर हम लंबे समय में निफ्टी का एवरेज देखते हैं, अगर हम यहाँ पे पी रेशियो का जो जो एवरेज है निफ्टी का देखते हैं, तो वी विल गेट टू नो कि यहाँ पे जस्ट लुकिंग एट द एवरेज, कि निफ्टी का जो लंबे समय में एवरेज रहा है, तो जैसे 2013 में आप देख सकते हैं कि 2013 में 17-18 के आसपास आ गई थी, 15 के आसपास, देन बीच में ऑलमोस्ट 19 के आसपास, 2016 में 20 के आसपास आ गई थी, एंड बीच में जब ये जब लॉकडाउन हुआ था, कंपनीज की जो अर्निंग्स इंपैक्ट हुई थी उस वजह से 40 के आसपास चली गई, बट अब फाइनली इट हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट 20.89 टाइम्स के आसपास। तो निफ्टी आफ्टर दिस फॉल सीम्स टू बी रीजनेबल। अब रीजनेबल का मतलब ये नहीं है कि आप कल जाके खरीद लेंगे, बट इट सीम्स टू बी रीजनेबल। तो जो वैल्यूएशन निफ्टी लेवल पे स्ट्रेच थी, आज शायद से वो वैल्यूएशन स्ट्रेच निफ्टी लेवल पे थोड़ा सा कम लगने लग गया। सिमिलरली अगर हम निफ्टी के अंदर जो निफ्टी का प्राइस टू बुक देखते हैं, तो वील जस्ट गेट एन आइडिया कि निफ्टी का जो लंबे समय में प्राइस टू बुक का एवरेज रहे, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 3.5 टाइम्स, 3.63 टाइम्स, एंड इस टाइम पे प्राइस टू बुक रेशियो 4.26 टाइम्स चल रहा है।
तो प्राइस टू बुक रेशियो पे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है निफ्टी, बट पीक पे प्राइस टू बुक रेशियो 6.5 टाइम्स है 2007-8 में, शायद से वैसा पीक कभी वापस आए ना। पर प्राइस टू बुक रेशियो पे निफ्टी डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, बट डिविडेंड यील्ड पे अगर आप चेक करें तो डिविडेंड यील्ड वापस आफ्टर दिस फॉल स्टॉक्स का बढ़ने लग गया निफ्टी के अंदर, तो 1.27% के आसपास वापस डिविडेंड यील्ड आ गए, विच इज अगेन इन इन लाइन विद द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 to 5 ईयर्स, राइट। तो इस टाइम पे निफ्टी की जो वैल्यूएशन है, सिर्फ निफ्टी की वैल्यूएशन की बात करूं तो कह सकते हैं कि एवरेज के आसपास या बिलो, शायद से बिलो एवरेज भी जा रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे काफी कम हो चुके हैं। सिमिलरली अगर आप 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड देखते हैं, माने इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि पी रेशियोज भी कैसे मूव करती है। तो इंडिया में अगर आप 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड देखते हैं तो एक टाइम पे तो ऑलमोस्ट 2018 के अंदर ये 8% के आसपास का था, whereas अगर हम 25 ईयर भी देखते हैं तो 2000s में गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 11% के आसपास होती थी, whereas आज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 6.6-6.7% के आसपास की है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर निफ्टी के अंदर ग्रोथ भी ना हो और निफ्टी सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड के रेशियो पे ट्रेड करे तो निफ्टी को मोटा मोटा ऑलमोस्ट 16 to 17 times का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो तो मिलना चाहिए, राइट। एंड आज हम ये देख सकते हैं कि 1 ईयर फॉरवर्ड पे निफ्टी ऑलमोस्ट 19x पे ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे हमने पहला भी जो डेटा है उसके अंदर चेक करा। तो निफ्टी आई थिंक अगर यहाँ से भी 5-10% का फॉल आता है तो निफ्टी विल स्टार्ट लुकिंग लाइक बेसिकली हॉरिबली चीप वाली कैटेगरी के अंदर आने लग जाएगा। बट यहाँ पे हम निफ्टी की बात नहीं करने आए, हम यहाँ पे मार्केट का चेक करने आए, टेम्परेचर चेक कि यहाँ पे मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि निफ्टी एंड जो ब्रॉडर मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स है उसके अंदर अगर 15 या 13-15% का भी करेक्शन है, अ लॉट ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक्स हैव करेक्टेड अ लॉट। तो यहाँ पे आई थॉट दिस थ्रेड वॉज वेरी वेरी गुड ऑन ट्विटर, सो दिस इज बेसिकली रिटन बाय प्रशांत क्रिश एंड ही इज समवन हुज बीन देयर ऑन ट्विटर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ही कीप्स पोस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइक सोर्सेज ऑफ डेटा, काफी डेटा क्रंचिंग भी करते हैं, यू कैन गिव हिम अ फॉलो ऑन ट्विटर। So just see like he posted that percentage of stocks that are above their 200 day exponential moving average have dropped to their lowest since June 2020. So माने जो momentum था indexes में या momentum था stocks के अंदर, so that has fallen. माने जो 200 day exponential moving average थी, इस time पे percentage of stocks almost June 2020 के नीचे आ गए. So definitely momentum का loss तो इस time पे indexes या broader markets में दिख रहा है. एंड सेकेंडली जो इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स दैट हैव ड्रॉन बाय ऑल मोर देन 20% फ्रॉम देयर हाईज इज ऑलमोस्ट मोर देन 92. तो माने 92% ऑफ द स्टॉक्स जो लिस्टेड यूनिवर्स में दे हैव ड्रॉन डाउन बाय मोर देन 20% फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाईज, राइट, या फिर जो उनका जो जो ऑल टाइम हाई था उनसे। सो दिस अगेन नंबर्स वर सीन बैक इन जून 2020 व्हेन वी हैड बेसिकली जो निफ्टी सेंसेक्स के अंदर फॉल आया था। And since 2020, bottom have happened nearby, exception being 2020, right? So again, यहाँ पे एक और interesting data point क्या था, which I thought was very very interesting. कि this one, just in terms of volatility, अगर हम VIX index देखते हैं इस time पे, तो VIX index again it has started inching up. तो volatility again has started inching up. तो 30 day का 23.33 के आसपास आ रहे हैं, whereas yearly जो वॉलिटिलिटी थी ऑलमोस्ट 16 के आसपास की थी। 2020 में वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा ऊपर चली गई थी, बट डेफिनेटली दिस जस्ट पॉइंट्स टू द रिटर्न ऑफ वॉलिटिलिटी। माने बीच में एक वन वे राइड हुई थी कि सब कुछ ही ऊपर जाएगा, बट अब नाउ अगेन टाइम्स आर कि उतार चढ़ाव मार्केट का विच इज पार्ट ऑफ द जर्नी, इट हैज कम बैक। कि वॉलिटिलिटी हमेशा विल टेस्ट एन इन्वेस्टर एंड इट इज एक्चुअली द फैब्रिक ऑफ द मार्केट। एंड फाइनली दिस डेटा पॉइंट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, that this is again that today has been the 14th worst day since 2005. So mane jo aaj 5% ka almost nifty ke andar fall tha, so this has been the 14th worst day since 2005. So this is up with the temperature of the market, and temperature of the market mein we can conclude ki actually mein jo jaisa jab aap apne glass ke andar coke dalte hain ya pepsi dalte hain to pepsi ya coke mein bahut zyada froth build hota hai. फिर आप देखेंगे जब थोड़े टाइम के लिए आप उसको नहीं पीते तो फ्रॉथ एंड जो फ्रॉथ होता है अपने आप ही अपने ग्लास के लेवल पे आ जाते हैं, माने आपको ड्रिंक दिखने लग जाती है। सिमिलरली निफ्टी एंड सेंसेक्स में एंड ब्रॉडर मार्केट्स में क्या हुआ है कि जो फ्रॉडीनेस थी दैट हैज बीन टेकन अवे। कि जो फ्रॉडीनेस था माने जो वैल्यूएशंस अबव एवरेज चली गई थी, नाउ वैल्यूएशंस हैव स्टार्टेड बेसिकली रिवर्टिंग टू मीन, माने जो लॉन्ग टर्म मीन है उसकी तरफ वैल्यूएशन वापस आ रहे हैं।
तो टेम्परेचर में तो हम पहली चीज का ये चेक कर सकते हैं कि आज वैल्यूएशन हमें लगता है कि मीन के आसपास है, ऐसा नहीं है कि मीन के नीचे या मीन के ऊपर है, बट क्योंकि मार्केट्स हैं तो हमेशा मार्केट्स हमेशा एक्सट्रीम पे मूव करती है। लास्ट ईयर क्या था कि जो वैल्यूएशन है अबव मीन थी, तो इस बार ये भी हो सकता है कि वैल्यूएशन थोड़ी देर टाइम के लिए जो बिलो एवरेज है वो भी चले जाए, माने जो 19 टाइम्स का पी है शायद से हमें 17-18 टाइम्स का भी पी निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल जाए। तो दिस वॉज विद द टेम्परेचर चेक। अब हम देखते हैं इन्वेस्टर को कैसे डील करना चाहिए इसके साथ। दस सम मोर डेटा पॉइंट की जो मैक्स ड्रॉडाउन सेंसेक्स के अंदर है, सो दिस वाज अगेन पोस्टेड बाय समवन ऑन ट्विटर कि मैक्स ड्रॉडाउन सेंसेक्स के अंदर अभी दिस जो ये वाला है यहाँ पे हम येलो में देख सकते हैं। सो आई थिंक अभी भी मतलब जैसे ऑलमोस्ट 12-13% का ड्रॉडाउन है, तो लॉन्ग टर्म में तो देखो स्ट्रक्चरल बुल मार्केट तो है ही, बट आई थिंक दीज टॉपसी टर्वी सिचुएशंस आर पार्ट ऑफ द मार्केट, दीज आर द फैब्रिक्स ऑफ द मार्केट, बट देर आर बीन मेनी मेनी इवन मोर सिवियर ड्रॉडाउन जब वैल्यूएशन कुछ ज्यादा एक्सट्रीम थी। जैसे 2009 में हमने देखा था कि जब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गई थी, कि जब आपका जो वैल्यूएशन मल्टीपल है कि कुछ ऑलमोस्ट निफ्टी का जैसे हमने चेक करा था प्राइस टू बुक की 6.57 टाइम्स पे चला गया था, तब जब ड्रॉडाउन आया था तो ऑलमोस्ट 60% का आया था सेंसेक्स के अंदर, राइट। सिमिलरली अभी सिर्फ 12-13% का ड्रॉडाउन आया है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर बाय द वे दीपक वेंकटेश। सो आई थिंक स्टिल मैक्स ड्रॉडाउन उतना ज्यादा नहीं आया, बट नाउ अगेन वील जस्ट लुक एट वॉट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड इवेंचुअली आउटकम्स क्या है। तो जैसे जब हम डाउ जोन्स की बात करते हैं जो बाहर का एक इंडेक्स है, तो मतलब दिस इज एन इंडेक्स, दिस इज एन इंडेक्स बेसिकली द यूएस मार्केट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब जर्मनी ने डिफीट करा था फ्रांस को, तो नंबर ऑफ डेज इट हिट लोज 13 के आसपास, 13 डेज के लिए इंडेक्स लो गया था, ऑलमोस्ट 17% का इंडेक्स के अंदर चेंज था। तो अभी सेंसेक्स निफ्टी में ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास का फॉल तो ऑलरेडी आ चुका है, राइट। एंड 1 ईयर का जब हम देखते हैं तो उस टाइम पे -5.2% रिटर्न था। जब पर्ल हार्बर अटैक हुआ तो 6.5% का चेंज था, कोरियन वॉर में भी 12% का चेंज था। सिमिलरली जब यूएस बॉम्ब्स कैम्बोडिया तो ऑलमोस्ट 15-14.4% का चेंज था। जब ऑयल एम्बार्गो हुआ था 1973 में तो 17.9% का चेंज था। सिमिलरली जब 1987 स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तो 34.2% का चेंज था। सिमिलरली जब 2008 में क्रैश आया था, जब लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था, तब 33% के आसपास का जो इंडेक्स के अंदर चेंज था ऑलमोस्ट, राइट। सो अगेन पॉलिटिकल इवेंट्स आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड इवन नेचुरल कलैमिटीज आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। जब वर्ल्ड क्लोज डाउन ड्यू टू कोविड तो ऑलमोस्ट 34.8% का चीज था, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड एवरी 2-3 ईयर्स में हमें कोई ऐसा इंसिडेंट तो दिखने ही वाला है। जैसे 2018 में फेड ने रेट हाइक कर दी थी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिसेशन, तभी भी 16% के आसपास का इंडेक्स के अंदर फॉल था। तो 14-15-16-17% फॉल इज एक्चुअली द नेचर ऑफ द मार्केट, इतना फॉल तो आता ही है। सिमिलरली अगर हम इंडिया में सेंसेक्स का रिटर्न देखते हैं तो लंबे समय में सेंसेक्स का रिटर्न तो अच्छा ही रहे, तो ये चार्ट अभी अपडेटेड नहीं है क्योंकि सेंसेक्स 55-56,000 पे आके, बट आप देख सकते हैं कि कितने सारे इवेंट्स आए थे ऐसे बीच में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, फिर बेसिकली एक बैंक कोलैप्स हो गया था, फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी दैट रिजाइन आफ्टर 13 डेज, फिर LTCM क्राइसिस हुआ, फिर स्टॉक मार्केट स्कैंडल हुआ, फिर बेसिकली टेररिस्ट अटैक हुआ यूएस के अंदर, फिर जो 2008 के अंदर जो लेमन ब्रदर्स थे उन्होंने फिर बैंकरप्सी के लिए फाइल करा। सिमिलरली अब यहाँ हम देख सकते हैं COVID-19 जब पैंडेमिक हुआ था तो कितनी कितनी तेजी से मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिर गया था। तो दीज करेक्शंस आर पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, इफ यू आर अ यंग इन्वेस्टर, तो वॉट यू शुड डू एक्चुअली इन योर पोर्टफोलियो टूडे इज कि वॉट आई एम डूइंग कि आई एम एक्चुअली सिलेक्टिवली बाइंग इन अ स्टैगर्ड फॉर्म, कि हम एक स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर बाइंग कर रहे हैं। कि अगर सपोज करते हैं अगर आज मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ के आसपास का है, या फिर अगर बात करते हैं पोर्टफोलियो 10 लाख रुपीज के आसपास का है, तो 10 लाख रुपीज में से करंटली आई एम इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 8.5-9 लाख के आसपास। मेरा जो बाकी 1 लाख रुपी है उसको मैं वील पुट दैट इन अ स्टैगर्ड फॉर्म, वी वॉन्ट पुट दैट इन वन गो। सो दिस इज वन अप्रोच दैट यू कैन टेक। अब नाउ कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो 100% इन्वेस्टेड है। अगर आप 100% इन्वेस्टेड है देन जस्ट डू रिमेंबर वन थिंग दैट यू जस्ट नीड टू लर्न टू चिल इन लाइफ। कि ठीक है करेक्शन है, पार्ट ऑफ लाइफ है, करेक्शन तो होने ही वाला है। हाँ अगर आपने कोई ऐसी कंपनी ले रखी है जहाँ पे जो जो कमोडिटी है, सपोज करते हैं अगर आपने सेल ले रखा है, या तो आपने कोई ऐसी कंपनी ले रखी है जो डीपली सिक्लिकल है एंड वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉक प्राइस इज फॉलिंग, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है देन दैट इज बेसिकली एन इंडिकेशन कि अगर आपको गिरते स्टॉक में कंफर्ट नहीं आता,
क्योंकि गिरते स्टॉक का क्या मतलब है कि आपको उसको और खरीदना चाहिए या फिर आपको अपनी जो एलोकेशन है वहां तक लेके जाना चाहिए, बिकॉज दैट शोज दैट यू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड दैट यू आर रियली बुलिश ऑन द प्रोस्पेक्ट्स. बट इफ यू आर गेटिंग टू मच डिस्टर्ब बाय अ फॉलिंग प्राइस, देन बेसिकली दैट मीन्स या तो रिसर्च के अंदर गड़बड़ है या तो आपने उस स्टॉक की अच्छे से पढ़ाई नहीं करी. सो दिस इज अ सेकंड ऑप्शन. अगर आप 100% इन्वेस्टेड है तो 100% इन्वेस्टेड रहिए, लाइफ में चिल भी कर सकते हैं क्योंकि आपका वैसे भी जो फाइनेंशियल गोल है, मार्केट्स को फाइनेंशियल गोल या लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, देन दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. थर्ड इज अगर कोई निफ्टी में इन्वेस्ट करता है, तो अगर सपोज करते हैं अगर आज मैं निफ्टी में 60 रुपीज इन्वेस्टेड हूँ और मेरे पास 40 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो इस टाइम पे पर्सनली आई विल पुट इन 20 रुपीज ऑफ एडिशनल ऑफ दैट मनी इन निफ्टी, क्योंकि काफी निफ्टी इन्वेस्टर्स भी हैं. तो दिस इज अगेन फॉर माई फैमिली एज वेल, बिकॉज वो सिर्फ निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं. सो जस्ट अगेन समथिंग दैट आई विल डू, बिकॉज आई थिंक स्टार्टिंग वैल्यूएशंस आर बिगिनिंग टू लुक चीप फॉर बेसिकली बाइंग इन अ स्टैगर्ड फॉर्म, माने वन गो में जाके बाय नहीं करते तो. एंड फाइनली अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कोई स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल कंपनीज है, देन इट इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू सेल योर मिस्टेक्स एंड बाय इन टू स्ट्रेंथ, जहां पे भी आपको लगता है कंपनीज आर वेरी वेरी पावरफुल. एंड जस्ट फॉर ऑल द न्यूबीज एंड द यंगस्टर्स हु सॉर्ट ऑफ जॉइंड बेसिकली द मार्केट्स इन 2020, ऑलवेज रिमेंबर दिस पोएम बाय रुडयार्ड किपलिंग. एंड इसका मतलब क्या है कि बेसिकली मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी ये चीज समझनी चाहिए कि इस आपको बहुत डीपली इन वर्ड्स को समझना चाहिए. That if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about and don't deal in lies or being hated and don't give way to hating and yet don't look too good nor talk too wise, if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to, broken, and stoop and build them up with worn out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it in one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss, if you can force your heart, nerve and sinew, to serve your turn long after they're gone, and so hold on when there's nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings and not lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distant sun, yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you will be a man, my son. Similarly, I'll just say, you will be an investor, my son. So you just need to keep your expectations in check and you need to be a master of your own destiny. Aap bar bar market ko apne aap ko dictate nahi karne de sakte. Because at the end of the day, getting anything more than 15-17% rate of return, aapka expectation should be low. Aap hamesha 50-60% rate of return markets ke andar nahi rehta. So you need to have lower expectations to begin with. I think Nifty or individual stocks, if done well, can lead to 15-20% returns in the long run. But you need to have your expectations in check. So this was the purpose of this video. Ki is time pe agar aap 100% invested hai, you can just chill in life. Agar aapke paas cash hai, to deploy it in staggered form. Agar aapke paas koi aisi companies hai jahan pe aapko lagta hai structurally weakness, agar aap raat ko so nahi pa rahe, then just shuffle that company into a structurally strong company. And with this, we'll end the video and we'll conclude the video. And मैं आपके लिए Saturday या Sunday को मैं आपके लिए ये भी करूँगा कि जो SYC watchlist है वो कैसे दिखती है. And actually मैं how you can sort of filter stocks as a beginner. So on Sunday we are doing a webinar on the IT sector with the SYC members. Link to registration is in the description below. And similarly tomorrow at 2 p.m. that is on Saturday we are doing a Ask Me Anything session with all the tribe members. Thank you so much for joining us. I hope this video helped you. Agar aapko is video se help hui ho, do drop yes it helped me in the comment section below. And aap ye bhi batana ki aapki is video se kya learning thi. Jai Hind.